तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो हम वापस आ चुके हैं GTA 5 की एक और नई वीडियो के साथ और अपनी इंडियन कार्स के साथ। और ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये है भाई अपनी नई नवेली टाटा हैरियर। क्योंकि भाई आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था भाई, टाटा हैरियर लाओ। पोल पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड था भाई, 70% लोगों ने टाटा हैरियर के लिए वोट किया था। तो हम लोग लेके आ गए भाई आप लोगों के लिए टाटा हैरियर। और भाई ये करने वाली आज का स्टंट सबसे पहले, तो भाई आज का स्टंट क्या है वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। क्योंकि भाई आप लोगों ने हमारे रैम टेस्ट भी देखा है, वाटर टेस्ट भी देखा है, तो हमने सोचा क्यों ना भाई रैम टेस्ट और वाटर टेस्ट को मिला दिया जाए। और जो रिज़ल्ट निकल के आया भाई वो है भाई, तो भाई ये देखो भाई, ये है भाई अपना रैम्प और यहाँ भाई अपनी वाटर क्रॉसिंग वाली रिवर। तो भाई अपनी इंडियन कार को ऊपर रैम्प से आना होगा और भाई ये गहरी सी नदी पार करनी होगी। तो भाई देख सकते हो अच्छी खासी गहरी नदी है भाई ये, और भाई अच्छी खासी SUV भी अपनी इसमें डूब सकती है भाई, इतनी गहरी नदी है भाई ये। तो देखते हैं भाई अपनी कौन सी गाड़ी ये टास्क कर पाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो भाई सबसे पहली गाड़ी जो है भाई वो है भाई अपनी नई नई टाटा हैरियर। देखते हैं भाई ऑरेंज कलर इस पर बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था, तो हमने इस पर ऑरेंज किया है। देखते हैं भाई अपनी टाटा हैरियर यहाँ पर ये कर पाती है कि नहीं कर पाती। तो ये चली भाई अपनी टाटा हैरियर यहाँ पर, तो ये रही भाई अपनी टाटा हैरियर। और देख सकते हो भाई अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली इसने और ये घुसी अभी पानी में टाटा हैरियर। और भाई देख सकते हो कितना ज़्यादा गहरा पानी है। और भाई यहाँ पे भाई अपनी टाटा हैरियर भाई साबुत यानी कि सही सलामत निकल के आ गई है भाई इसके बाहर। क्या बात है भाई, बड़ी ही दमदार गाड़ी निकली भाई अपनी टाटा हैरियर यहाँ पे। तो अपनी टाटा हैरियर होती है भाई इस टेस्ट में पास। तो लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को यहाँ पे। तो भाई लोग अपनी टाटा हैरियर तो इस पार पहुँच गई। तो अब जो अपनी अगली गाड़ी है भाई वो है भाई अपनी महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11। तो देखते हैं यहाँ पे अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 कैसा परफॉर्म करती है। तो ये चली भाई अपनी महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11 और देखते हैं भाई यहाँ पर इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है। और ये घुसी पानी के अंदर, ओ भाई ये भी पूरी डूब गई। और भाई यहाँ पे भाई अपनी स्कॉर्पियो भी भाई एक बार में भाई पूरी इस पार आ चुकी है भाई, क्या बात है भाई। यहाँ भाई जो अपनी देसी इंडियन कार से भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है भाई। तो देख सकते हो भाई अपनी स्कॉर्पियो भी आ गई, अपनी हैरियर भी आ गई। अब देखने वाली बात होगी अपनी अगली गाड़ी कौन सी आती है। तो भाई अब जो अपनी अगली गाड़ी है भाई वो है भाई अपनी वितारा ब्रेज़ा। तो देखते हैं भाई यहाँ पर अपनी वितारा ब्रेज़ा कैसा परफॉर्म करती है। तो ये चली भाई अपनी वितारा ब्रेज़ा नीचे और देखते हैं भाई कैसा रहता है भाई इसका सीन, क्या ही उस पार आ पाएगी नहीं आ पाएगी। तो ये चली वितारा ब्रेज़ा पानी के अंदर और भाई यहाँ पे अपनी वितारा ब्रेज़ा हो गई है उल्टी, पूरी पूरी उल्टी हो गई है भाई। तो भाई यहाँ पे अपनी वितारा ब्रेज़ा जो है वो होती है फेल, क्योंकि भाई छोटी गाड़ी भी थी तो इसके साथ तो ऐसा होना ही था, मुझे लग ही रहा था। तो लेते हैं अपनी अगली गाड़ी को अब। तो भाई अब जो अपनी अगली गाड़ी है यहाँ पे वो है भाई अपनी टोयोटा की फॉर्च्यूनर। तो देखते हैं भाई अपनी फॉर्च्यूनर यहाँ पे कैसा कमाल करती है। और ये चली भाई अपनी फॉर्च्यूनर, काफ़ी भारी भरकम गाड़ी है भाई ये। तो देखते हैं भाई यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस रहता है अपनी फॉर्च्यूनर। और ये घुसी फॉर्च्यूनर पानी के अंदर और भाई यहाँ पर अपनी फॉर्च्यूनर हो चुकी है बंद भाई। देख सकते हो भाई ना आगे जा रही ना पीछे जा रही, और पानी के बाहर आ ही गई थी कि ये बंद हो गई भाई। तो भाई इसको निकालता हूँ मैं बाहर और लेते हैं अपनी नेक्स्ट कार को। तो गाइस अब जो अगली गाड़ी हम लोग ले रहे हैं भाई वो है भाई अपनी महिंद्रा की XUV 700। और भाई काफ़ी ज़्यादा दमदार कार है भाई। तो देखते हैं भाई यहाँ पे अपनी महिंद्रा की XUV 700 कैसा परफॉर्म करती है। तो ये चली भाई अपनी XUV 700 और यहाँ पर आ गई अपनी नदी। तो ये घुसी पानी के अंदर और भाई, ओ भाई अपनी XUV पूरी बंद हो गई यहाँ पे भाई साहब। भाई इतनी तगड़ी गाड़ी और यहाँ पे हो गई है बंद भाई, ये उम्मीद नहीं थी भाई मुझे अपनी XUV से। मुझे लगा था भाई ये तो निकल ही जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो और भाई अपनी वो भी आ चुकी है टाटा हैरियर, और ये हो गई भाई यहाँ पे बंद। और देख सकते हो भाई पूरी डूब चुकी है भाई ये पानी के अंदर, सोच लो भाई कितना गहरा पानी था भाई ये। तो भाई इसको बाहर निकालते हैं और लेते हैं अपनी अगली गाड़ी को। तो गैस यहाँ पे अब जो अगली गाड़ी हम लोग ले रहे हैं भाई वो है भाई अपनी टाटा सफारी 2021 वाली मॉडल। और देखते हैं भाई यहाँ पे अपनी टाटा सफारी क्या कमाल दिखाती है। तो ये चली भाई अपनी सफारी यहाँ पे, और काफ़ी भारी भरकम गाड़ी है भाई ये भी। तो देखते हैं भाई यहाँ पर अपनी सफारी क्या उस पार निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी। और ये घुसी पानी के अंदर, ओ भाई टेढ़ी हो गई और बंद भी हो गई भाई। ओ भाई गलत ही सीन हो रहे हैं भाई अब तो।
मुझे लगा था कि ये भी उस पार निकल जाएगी, लेकिन भाई यहाँ पे अपनी नई वाली सफारी भी फेल हो गई है भाई। निकलो माइकल बाहर यहाँ से भाई, नहीं तो तुम भी अभी डूब के बंद हो जाओगे अंदर। तो भाई निकालते हैं भाई अपनी सफारी को अंदर से बाहर और लेते हैं अपनी अगली गाड़ी। तो भाई अब जो अगली गाड़ी हम लोग ले रहे हैं भाई, वो है भाई अपनी ह्यूंडई की क्रेटा। तो भाई अपनी इतनी सारी एसयूवीज बंद हो रही है, और मुझे लग रहा है कि अपनी छोटी मोटी गाड़ियों का क्या ही हाल होने वाला है इस टेस्ट में भाई, मुझे नहीं पता। तो उन पे भी अभी आते हैं भाई इसके बाद। तो अभी यहाँ पे फिलहाल जा रही है भाई अपनी ह्यूंडई की क्रेटा, और देखते हैं भाई अपनी क्रेटा कैसा परफॉर्म करती है यहाँ पे। और ये घुसी भाई अपनी क्रेटा पानी के अंदर, ओ भाई पलट गई, बच गई बच गई बच गई बच गई बच गई, ओ भाई। तो भाई अपनी वाटर टेस्ट को बहुत ही अच्छे से करने वाली क्रेटा भी यहाँ पे बंद हो चुकी है यार। तो भाई सोच लो जो गाड़ियाँ इस बार आई हैं भाई, ये दोनों गाड़ियाँ कितनी दमदार होंगी भाई। तो भाई मैं इसको भी जल्दी से बाहर निकालता हूँ, लेते हैं अपनी अगली गाड़ी को। तो गाइस अब जो अगली गाड़ी हम लोग ले रहे हैं भाई, वो है भाई अपनी नन्ही मुन्नी सुजुकी स्विफ्ट। तो देखते हैं भाई अपनी सुजुकी स्विफ्ट भाई यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और ये गाड़ी इस वाटर टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो ये चलिए भाई अपनी सुजुकी स्विफ्ट, ओ भाई संभाल के भाई भाई। तो देखते हैं भाई क्या ये उस पार निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। और ये घुसी भाई पानी के अंदर, और अभी भी स्टार्ट है। ओ ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, ओ भाई साहब अपनी सुजुकी स्विफ्ट भाई निकल आई है पानी के बाहर, और पूरी डूबने के बावजूद भी भाई बंद नहीं हुई भाई। तगड़ी गाड़ी है भाई, जो भी बोलो भाई, पूरी डूबने के बाद नहीं बंद हुई यहाँ पे अपनी, जबकि अपनी ह्यूंडई की क्रेटा बंद हो गई भाई, अपनी सफारी बंद हो गई, लेकिन अपनी सुजुकी स्विफ्ट निकल आई, क्या बात है भाई। तो लेते हैं अपनी अगली गाड़ी को अब। तो गाइस यहाँ पे अपनी छोटी सी स्विफ्ट ने तो कमाल कर दिया। तो अब जो अगली गाड़ी हम ले रहे हैं भाई, वो है भाई अपनी टाटा नेक्सॉन। तो देखते हैं भाई अपनी टाटा नेक्सॉन यहाँ पे क्या भाई उस नदी के पार निकल पाएगी कि नहीं। और ये चली भाई अपनी नेक्सॉन, तो देखते हैं भाई क्या उस पार जाती है कि नहीं। तो भाई अच्छी खासी स्पीड यहाँ पे पकड़ ली इसने, और ये घुसी पानी के अंदर, और भाई अपनी नेक्सॉन हो चुकी है यहाँ पे बंद। तो भाई अपनी नेक्सॉन ने दम तोड़ दिया है अपना, और एकदम बंद हो चुकी है भाई यहाँ पे। तो भाई इसको निकालते हैं यहाँ से और लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो भाई अब जो अपनी अगली गाड़ी है यहाँ पे, वो है भाई अपनी वैगनार। तो देखते हैं भाई क्या अपनी वैगनार उस पार जाने वाली कि नहीं। और भाई बड़ी ही तगड़ी इंडियन कार है भाई। तो ये चली अपनी वैगनार यहाँ पे, और ये घुसी भाई पानी के अंदर, और भाई यहाँ पे अपनी वैगनार भी भाई बंद हो गई, और पूरी पानी में तैर रही है भाई। आप लोग देख सकते हो भाई अपनी पूरी वैगनार पानी में तैर रही है। तो भाई निकलते हैं इससे बाहर, और निकालते अपनी गाड़ी को ही बाहर, और बढ़ते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ। तो गाइस अब जो अपनी अगली गाड़ी है, वो है भाई अपनी ह्यूंडई की वेन्यू। तो भाई काफ़ी दमदार गाड़ी है ये। तो देखते हैं क्या ये भाई पानी के उस पार जा पाएगी कि नहीं, और निकल गई भाई। तो ये चली भाई अपनी वेन्यू, और भाई अच्छी खासी स्पीड इसने पकड़ ली, और ये घुसी पानी के अंदर, और अभी भी चल रही है, और भाई अपनी वेन्यू यहाँ पे इस पार आ गई है भाई। तो अपनी स्विफ्ट के बाद जो हमारी अगली छोटी गाड़ी है, वो है भाई अपनी वेन्यू, जो कि भाई यहाँ तक पहुँच पाई है। और भाई अपनी ये गाड़ी भाई पूरी भाई पानी के अंदर घुस गई थी भाई, एकदम लगा था कि भाई अब तो ये नहीं निकल पाएगी, लेकिन भाई ये गाड़ी निकल गई। तो देखते हैं अपनी अगली गाड़ी कौन सी यहाँ पे आ पाती है। तो गैस यहाँ पे जो अपनी अगली गाड़ी है, वो है भाई अपनी फॉर्चूनर। और देख सकते हो भाई ये अपना 2014 वाला वेरियंट है, पुरानी वाली फॉर्चूनर है ये। तो ये चली भाई अपनी पुरानी फॉर्चूनर, और देखते हैं क्या ये भाई उस पार जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। तो ये चली भाई अपनी फॉर्चूनर फुल फॉर्म में जा रही है, और ये घुसी पानी के अंदर, और भाई यहाँ पे अपनी फॉर्चूनर पुरानी वाली बंद हो गई, और ये उसी जगह बंद हुई है जहाँ पे अपनी नई वाली फॉर्चूनर बंद हुई थी। तो देख सकते भाई दोनों ही फॉर्चूनर का भाई एक ही सा हाल है यहाँ पे, दोनों ही यहीं पे सेम जगह पे डूबी हैं। मेरे हिसाब से शायद हो सकता है नई वाली थोड़ी सी आगे और ज़्यादा आई होगी। तो भाई निकालते हैं इसको, लेते हैं अपनी अगली गाड़ी। तो भाई अब जो अगली गाड़ी हम लोग ले रहे हैं भाई, वो है अपनी होंडा सिटी। और भाई ये गाड़ी बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी है, फिर भी भाई हम लोग इसको लेंगे। और ये चलिए अपनी होंडा सिटी, और बहुत ही ज़्यादा नीचे गाड़ी है। तो भाई देखते हैं भाई क्या होता है इसके साथ, बहुत ही गलत सीन हो सकता है। और यहाँ पर अपनी होंडा सिटी पूरी पानी के अंदर, और भाई हो गई है बंद, जो कि मुझे लगा था इसका बंद होना तो बनता ही है। और देखो इतनी बाहर आने के बाद भी सोचो कितनी डूबी हुई है भाई, देखो गाड़ी में पूरा पानी भर चुका है भाई यहाँ पे।
तो भाई लेते हैं अपनी अगली गाड़ी जो कि होगी अपनी ह्यूंडई वरना। तो देखते हैं अपनी वरना यहाँ पे निकल पाती है कि नहीं। तो गैस यहाँ पे अपनी मैट ब्लैक ह्यूंडई वरना एकदम रेडी है। तो भाई वरना पे ये कलर तो बहुत ही ज़्यादा जच रहा है भाई, देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही है भाई इस कलर में। तो देखते हैं अपनी होंडा सिटी तो फेल हो गई, तो क्या अपनी ह्यूंडई वरना जो कि सेम ही सेगमेंट की सेडान है क्या ये उस पर जा पाती है कि नहीं। तो भाई ये चली अपनी वरना यहाँ पे और ये घुसी पानी के अंदर और भाई अपनी वरना भी बंद हो गई और मेरे हिसाब से भाई अपनी होंडा सिटी से भी पीछे रह गई है यहाँ पे। देख सकते हो भाई अपनी होंडा सिटी काफ़ी हद तक बाहर आ गई थी लेकिन भाई अपनी वरना यहाँ पे हो चुकी है बंद। तो लेते हैं अपनी अगली गाड़ी। तो गाइस अब जो अगली गाड़ी हम लोग ले रहे हैं भाई वो है भाई अपनी भारी भरकम फोर्ड एंडेवर। तो देखते हैं अपनी एंडेवर यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और ये चलिए अपनी एंडेवर सच में भाई काफ़ी ज़्यादा भारी गाड़ी है भाई ये। और ये घुसी पानी के अंदर और भाई अपनी एंडेवर इस पार निकल के आ गई है भाई, क्या बात है भाई। यहाँ पे भाई फॉर्च्यूनर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया अपनी एंडेवर ने, क्योंकि भाई ये बहुत ही भारी गाड़ी है तो भाई ये पानी पे बिल्कुल भी फ्लोट नहीं हुई, सीधा से भाई इस पार आ गई है ये। तो इसको भी यहाँ पे खड़ा कर देते हैं और लेते हैं अपनी अगली गाड़ी को। तो गैस यहाँ पे अब जो अगली गाड़ी हमारी वो है अपनी नन्ही मुन्नी i10। तो देखते हैं अपनी i10 नियोस यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो ये चलिए अपनी नियोस भाई सीधा अपने पानी की तरफ और देखते हैं भाई क्या सीन रहता है इसका। बहुत ही छोटी गाड़ी है ये और ये घुसी पानी के अंदर भाई पलटी मार दी और भाई अपनी i10 नियोस बंद हो गई है भाई। तो इसी के कॉम्पिटिटर भाई अपनी सुजुकी स्विफ्ट जो कि भाई पानी पार करके इधर आ गए लेकिन वो दूसरी ही तरफ भाई अपनी i10 नियोस तो भाई पानी में डूब गई। तो सीधी सी बात है भाई अपनी सुजुकी स्विफ्ट तो भाई सुजुकी स्विफ्ट है। तो लेते हैं अब भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो गाइज अब जो अगली गाड़ी हम लोग ले रहे हैं भाई वो है अपनी ह्यूंडई ऑरा जो कि वाटर टेस्ट काफ़ी अच्छे से करती थी अपनी ह्यूंडई वेन्यू की तरह। तो देखते हैं भाई यहाँ पर अपनी ऑरा कैसा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर हो गई भाई अपनी ऑरा स्टार्ट और ये गई सीधा रैम से नीचे और देखते हैं भाई अपनी ऑरा का परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा रहने वाला है। और बहुत ही स्पीड पकड़ ली इसने और ये घुसी पानी के अंदर और भाई अपनी ऑरा भी भाई यहाँ पे बंद हो चुकी है भाई, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है भाई। तो भाई जो कि गाड़ी अपनी वाटर टेस्ट इतना अच्छे से करती थी भाई वो भी बंद हो गई है यहाँ पर। तो भाई इसको निकालते हैं और लेते हैं अपनी आखिरी गाड़ी यानी कि अपनी जीप कंपास। तो गैस यहाँ पे अपनी जीप कंपास एकदम रेडी है। तो ये चली भाई अपनी जीप कंपास नीचे, ओहो फंस गई क्या, निकल निकल निकल। तो ये गई भाई अपनी जीप कंपास और देखते हैं भाई कैसा परफॉर्म करते हैं। उसके टायर्स देखो काफ़ी चौड़े टायर है भाई इसके और भाई अपनी जीप कंपास भाई आ चुकी है इस बार। देख सकते हो भाई काफ़ी दमदार गाड़ी निकली भाई यहाँ पर अपनी जीप कंपास, क्या बात है भाई क्या बात है यार। तो भाई देख सकते हो भाई आप लोग कि अपनी कौन कौन सी गाड़ियां भाई इस रैंप को क्लियर कर पाई हैं यहाँ पे भाई। ये अपनी स्कॉर्पियो, अपनी स्विफ्ट, अपनी नई नवेली टाटा हैरियर और यहाँ पे है भाई अपनी वेन्यू, अपनी एंडेवर और भाई अपनी ये दमदार जीप कंपास। तो गैस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई और ये रैम पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग रैम के साथ और एक अलग ही धमाल के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।